सोलन सिरमौर की सीमा पर स्थित वोन मैनरी मोनेस्ट्री को अपना 34वां मठा अधिकारी मिल गया है। आज लुंगतोंग दामा रिपोंचे की पूरी विधि विधान से ताजपोशी हुई। इस मौके पर खास बात यह रही कि उनकी ताजपोशी निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रेसिडेंट डॉक्टर लोबसांग सांगे की उपस्थिति में हुई। आपको बता दें कि वे 33वें मताधिकारी लुंगतोक तनपई रिपोंचे का सितंबर माह में देहांत हो गया था, जिसकी वजह से ये पद रिक्त चल रहा था। अधिक जानकारी देते हुए निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रेसिडेंट डॉक्टर लोबसांग सांगे ने नए मठाधीश को शुभकामनाएं दी और बताया कि उनका बौद्ध धर्म 18,000 वर्ष पुराना है, लेकिन चीन ने उनकी संस्कृति और मठों को समाप्त कर दिया था। अब भारत में सोलन की दोलजी में मठ की स्थापना की है तो यहीं से बौद्ध धर्म को सारे संसार में फैलाएंगे। लेकिन पिछले वर्ष यहां के मठाधिकारी के शरीर त्याग दिया था और उसके बाद से मठाधिकारी का पद रिक्त था। आज पूरे विधि विधान से मठाधिकारी को चुना गया है। उन्होंने आशा जताई है कि यह गुरु भी अन्य मठाधिकारियों की तरह बौद्ध धर्म को पूरे विश्व में फैलाएंगे और धर्म प्यार और शांति का संदेश देंगे। हम सिटी की तरफ से यहां के दर्शन लेना, उनका आशीर्वाद लेना और उनको विश करना है कि हिंदू रिलीजन और जो हमारा संस्कृति है, जो धर्म है, वो सारे संसार में फैले और सारे संसार में शांति हो। चीन के कब्जे होने के बाद वो 98% ऑफ हमारा वो जितना भी मोनास्ट्रीज थे और नानरीज थे सब तोड़ फोड़ डाल दिया और 99.9% जितने भी मंग्स हैं, नंस हैं, उनको वो धर्म के धर्म करने को मना कर दिया था चीन सरकार ने ओके। तो फिर उतना डिस्ट्रक्शन हो जाने के बाद अब एग्जाइल में आके यहाँ दोलनजी में बौद्ध धर्म का वो मोनास्ट्री है, जितने भी प्रैक्टिस है, मंग्स है, नंस है, सबको रिवाइव किया जी। वो 33rd स्पिरिचुअल हेड है, उनके मेहनत से हुआ है, इसलिए जो रिवाइवल अभी है और यहाँ से भी सारे संसार में भी फैला हुआ है जी। इसलिए इनको हम प्रिजर्व करना और फैलना जी सबका कर्तव्य है।